नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज़ मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज वीडियो लेकर आए हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या जो भी हम कह सकते हैं कि हमारे रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो भी रिसर्च की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं तो कभी कभी डेटा की दिक्कत आती है, डेटा सेट उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। और काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये डेटा अलग अलग तरीके से परचेस करके आपको देते हैं, या आपको अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि जगह जगह जाकर ये डेटा कलेक्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसी वेबसाइट लेकर आए हैं जहाँ से आप किसी भी चीज़ का जो आप वहाँ पर सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड आपको डेटा मिल सकता है, जिसकी मदद से आप अपने रिसर्च को, अपने कैलकुलेशंस को किसी डेटा के ऊपर आधारित आप उसको बना सकते हैं और आपके रिसर्च को जो है बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा, हम यहाँ वेबसाइट आपको बता रहे हैं, www.kaggle.com। ये आप वेबसाइट का नाम देख लें, www.kaggle.com। यहाँ जाने के बाद दोस्तों, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, यहाँ लिखा आता है आप कितने मंथ से यहाँ पर जो है लॉगिन है, जो आपका पहला स्टेटस था। अब दोस्तों, जो हमने रिसेंटली व्यूड किए हैं, ये आप एक बार इसका पूरा मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ। ये देखिए, ये कैगल, यहाँ पर ये मेन्यू बार है, आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर एक नोटबुक बना सकते हैं, एक नया डेटा सेट यहाँ पर। इसी के साथ ये कॉम्पिटिशन, डेटा सेट, कोड, डिस्कशन, कोर्सेज और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। हमने दोस्तों जो देखिए अभी तक यहाँ पर डेटा सेट जो सर्च किए हैं, वो डेटा सेट आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं। ये COVID-19 के पेशेंट के जो है डेटा है, कैंसर पेशेंट डेटा है। अब दोस्तों, यहाँ डेटा निकाला कैसे जाएगा, आप ये देख लीजिए। यहाँ आपको जाना है डेटा सेट्स पर। डेटा सेट्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आप बहुत सारे डेटास को जो है अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर आप सर्च कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये पॉपुलर डेटा सेट है, कस्टमर्स हार्ट फेलियर प्रेडिक्शन डेटा सेट, 2021 ओलंपिक्स गेम का भी डेटा सेट यहाँ आ गया है, टर्की COVID-19 वैक्सीनेशन का डेटा सेट भी दोस्तों यहाँ आ गया है। जो हमने व्यू किए हैं वो डेटा सेट आप यहाँ देख सकते हैं। अब किसी भी डेटा सेट को किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, उसकी CSV फाइल, जो कॉमा सेपरेटेड वर्जन जो होता है, वो कैसे काम आता है, मान लीजिए हम आपको यहाँ से बता देते हैं। ये COVID-19 का प्री कंडीशन डेटा सेट है, इस पर हमको क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको जानकारी भी मिल जाएगी, ये डेटा ऑब्टेंड किया गया है मैक्सिकन गवर्नमेंट डेटा सेट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको ये कंटेंट दिखेंगे, कैटलॉग्स, ये XLS, ये जो है XLS आपका एक्सेल का हम कह सकते हैं एक्सटेंशन होता है। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, और ये कोविड की CSV मेन 46 MB की फाइल है दोस्तों, जो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। ये देखिए, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखें, आपको ये जो दिख रहे हैं कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितने नंबर ऑफ यहाँ पर आपको डेटा सेट में डेटा मिल रहे हैं, ये कॉलम्स फाइल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको दोस्तों करना क्या है, आपको करना है यहाँ पर क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये एक आर्काइव फाइल आ रही है, जो कि zip फाइल है, ये 7.6 MB की फाइल है। इसको जैसे ही ये अभी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करके हम इसको एक्सट्रैक्ट करके भी बताएंगे। ये देखिए, हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, हम इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक्सट्रैक्ट हो गई है दोस्तों। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये कोविड करके जो आपकी फाइल बनी है 44.5 MB की, इसको आप यहाँ से क्लिक करके ओपन करेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर ओपन हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा को लेकर आई है। आप देख सकते हैं 44.5 MB के समथिंग जो है यहाँ पर डेटा था,
और इसमें तकरीबन जो है 4 से 5 लाख पेशेंट्स से ऊपर का डेटा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपको एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, ये 23 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर जो है दर्शाए गए हैं। इसी के साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप यहाँ ड्रैग कर कर नीचे आएंगे, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा ये डेटा है आपका। और ये देखिए लास्ट हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं 5,66,603, 5,66,000 के करीब दोस्तों ये डेटा है। इस डेटा के ऊपर अब आप जो भी लैंग्वेजेस में ऑपरेशंस करना चाहें, चाहे वो पाइथन हो या जावा हो, जिस पे भी आप इस CSV फाइल का दोस्तों यूज़ करेंगे, आप इजीली इस डेटा सेट के ऊपर अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग जो है दोस्तों काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था तरीका कैसे आप इस कैगल वेबसाइट की मदद से डेटा सेट्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, और किसी डेटा सेट पर अगर आप जाते हैं तो आपको करना होता है यहाँ क्लिक, और डेटा सेट पर आने के बाद ये जो आपको पॉपुलर डेटा सेट दिख रहे हैं, जैसे कि ये 2021 ओलंपिक का डेटा सेट है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये 3 मंथ पहले अपडेट किया गया है, और यहाँ डेटा अबाउट एथलीट्स, टीम्स, कोचेस, इवेंट्स, आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको जो है यहाँ पर ये फाइल्स दिखना शुरू हो जाएंगी। और आपको जो भी फाइल यहाँ से डाउनलोड करनी है, जो भी आपको लगता है कि आपके काम का डेटाबेस है, वो आप इजीली दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये वेबसाइट पसंद आई होगी, कैसे हम ऑनलाइन डेटा सेट को निकाल सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, और कैसे अपने रिसर्च को जो है बढ़ावा दे सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।